प्रकाश का अपवर्तन। हमने पुरानी कक्षाओं में परावर्तन के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तब वे परावर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर है तथा आपतित किरण परावर्तित किरण के तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, जिस प्रकार यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अभिलंब परावर्तित किरण आपतित किरण दोनों एक ही तल पर हैं तथा जो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर है। अब इस अध्याय में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। अपवर्तन क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ जैसे हवा, पानी, कांच आदि में हमें आर पार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें इनसे आसानी से आर पार हो जाती हैं। ऐसे पारदर्शी पदार्थों को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं और जब प्रकाशीय माध्यम सघन जैसे कांच, पानी या विरल जैसे हवा हो तब इनमें से जब प्रकाश की किरण गुजरती है दो अलग अलग माध्यमों से तो उस प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, जिस प्रकार यहाँ दिखाया गया है। दो माध्यम हैं, एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, आपतित किरण है। जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, इसे ही अपवर्तन की क्रिया कहते हैं। यहाँ अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में होती है। अपवर्तन की क्रिया को समझाने के लिए यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें एक पुट्ठे में छेद किया गया है, वहाँ से टॉर्च द्वारा प्रकाश की किरण को एक रेखा में एक पानी से भरे हुए ग्लास में डाला जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमेशा प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु यहाँ प्रकाश की किरण पहले कांच में पड़ के अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, फिर जब बाहर निकलती है तो फिर अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। इस प्रकार हम अपवर्तन को देख सकते हैं। वैसे ही दूसरा क्रियाकलाप है जहाँ एक बीकर में आप पानी भर के रखते हैं और कांच एक सिक्के को नीचे डालते हैं, जब आप देखेंगे तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। इस क्रियाकलाप को आप देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं तीसरा क्रियाकलाप है कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देखिए, ये आपतित किरण है, ये हमारा M1 M2 अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण। जब आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ती है और कांच के सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए यहाँ हमारे पास वायु है जो विरल माध्यम है और ये कांच का गुटका है जो सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। वैसे ही फिर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं M1 M2 अभिलंब है, N1 N2 दूसरा अभिलंब है, B एक आपतित किरण है जो यहाँ अपवर्तित हो जा रही है और फिर सी के रूप में बाहर निकल रही है। यहाँ आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। यहाँ ये आर बराबर होंगे तथा ये ई और ये आई बराबर होंगे। ये कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन दिखाता है। इस पूरी क्रिया को यहाँ समझाया गया है, आप पढ़कर अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद अपवर्तनांक। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित प्रकाश किरण कितनी विचलित होगी और किस ओर विचलित होगी, इसका अनुमान हम अपवर्तनांक अर्थात अपवर्तन
का अंक से लगाते हैं, अर्थात अपवर्तनांक माध्यम के प्रकाशीय घनत्व को व्यक्त करने की संख्या है। इसका फॉर्मूला होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात या हवा में चाल, प्रकाश का उस माध्यम में चाल। इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ या माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप है, यहाँ हम आपतन बिंदु O पर प्रकार की नोक से नोक रखकर एक वृत्त खींच लेंगे जो आपतित किरण को A पर और अपवर्तित किरण को F पर काटता है। अब आप देखेंगे AX और FY, इनका जो अनुपात होता है उसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है जिसका उच्चारण म्यू होता है और इसे इस प्रकार दिखाया जाता है म्यू इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एफ वाई। आप अलग अलग माध्यम लेके अलग अलग माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं।